الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل उकदतुम लिसानी यफकहु कौली या रब ज़िदनी इल्मा या रब ज़िदनी इल्मा या रब ज़िदनी इल्मा सुबहानल्लाह अदद मा खलक फिस समाई व सुबहानल्लाह अदद मा खलक फिल अर्ज़ व सुबहानल्लाह वा सुभान अल्लाह अदद मा बैन ज़ालिक वा सुभान अल्लाह अदद मा हुवा खालिक सुभान अल-अली अल-आला सुभान अल-अली अल-आला सुभान हु व तआला सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुलना सलाति व नुसुकी व महयाया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहु दीन व लौ करिहल काफिरून नहमदहु व सल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये आठवां पारा है और इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फरमाया, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लोग कड़ी कड़ी कसमें खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी यानी मौजज़ा हमारे सामने आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसमें खाते थे कि अगर आप कोई मौजज़ा दिखा देंगे तो फिर हम ईमान ले आएंगे। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि कहो निशानियां तो अल्लाह के अख्तियार में हैं और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आप ही जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं, हम उसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए थे, हम उन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आँखों के सामने जमा कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। अल्लाह को भी इल्म है कि मेरे बंदे कैसे हैं। अब ये जो यानी लेकिन अहदीस में भी मौजूद है ये बात कि क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक एक ऐसा दौर भी आएगा जिसमें कोई ऐसी वबा फैलेगी जिससे जो गुमराह कुन लोग हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे कसरत से, और जो ईमान वाले हैं उनको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम होगा। और ये अहदीस मौजूद है क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक। तो उसके बारे में है कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से उसकी मेहरबानी की दुआ मांगे, और वो क्या है, या अल्लाहु या रहमान रहीम या हय्यो या कयूम बिरहमतिका
उसके बाद फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि मशियत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं। यानी अगरचा कोई उसमें अल्लाह का इरादा शामिल हो जाए कि ये ईमान लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो है ना वो ऐसे है जैसे शैतानों को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मोहलत दी है। तो अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया ये मुझे आजिज़ नहीं कर सकते ना ज़मीन में ना आसमान में, लेकिन एक तयशुदा बात है जो अल्लाह ने वादा किया था कि शैतानों ने मोहलत मांगी है तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मोहलत दी है, उस मोहलत की बुनियाद पर ये फ़ायदा उठा रहे हैं। वरना अगरचा अल्लाह उन्हें रोक ले दरमियान में तो उनकी कोई ताकत नहीं कि किसी को गुमराह करे, लेकिन अल्लाह ने छूट दे रखी है और आजमाइश है इंसानों की कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। मतलब ये है, और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। जितने भी नबी आए, जितने भी नेक लोग आए लोगों में से और यानी जिनों में से, उनके दुश्मन रहे। और उसके बाद फरमाया गया जो एक दूसरे पर खुशाइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर अलका करते रहते हैं, यानी जैसे दुनियादारी में एक शख्स मुब्तला हो जाए तो दुनियावी धोखे में आ गया ना, अच्छा देखी जाओगी मौत तो जब है, वो फला मरा है मुझे पता नहीं आती है या नहीं। हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हमारी दोस्त इसी जमात की, यानी अल्लाह ताला उस पर खसूसी रहमत नाजिल फरमाए और उसे अजर भी अता फरमाए कि उसने कभी इस जमात से नागा नहीं किया था, और जन्नत नसीब फरमाए उसके बदले में और बख्शिश बेबहा अता फरमाए। तो वो हमारे लिए एक इबरत है कि सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त खुश कौन, यानी हंसने वाली और सबसे ज़्यादा चक्कर लगाने वाली, और अचानक ही उड़ के चली गई, खबर ही नहीं हुई। तो हमने कोई बुनियादें गाड़ रखी हैं कि बैठ रहेंगे, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी चीज़ों को देख के हमें सबक और इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि हम ये समझें कि वो मरा है मेरे पास तो मौत अभी नहीं आएगी। नहीं, हर शख्स ये सोचे कि मेरे सर के ऊपर खड़ी है मौत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जैसे एक ज़मीन के एक किनारे पे एक शख्स खड़ा है, दूसरे किनारे पे दूसरा खड़ा है, और एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। मौत जो है इसी तरीके से है कि एक किनारे पे मौत खड़ी है, एक किनारे पे इंसान है, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। ये जो सालगिरह मनाते हैं उसका क्या मतलब है? कोई इंसान की ज़िंदगी में इजाफा होता है? बल्कि हमारी ज़िंदगी में एक साल की कमी हो गई, उस पर तो हमें रोना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर खसूसी रहमत नाजिल फरमाए, ना कि हम यानी गरूर करें, तकब्बुर करें कि फलां बात ये हो गई, फलां ये हो गई। ये सब अंग्रेज़ों के ढंगोसले हैं, और मुसलमानों वाले जो ख्यालात या शरीयत है वो हमने छोड़ दी है, और पता नहीं फिरकों में बट गए हमारे दीन, और सही दीन की पैरवी पूरे कुरान में अल्लाह ताला पुकार रहा है लोगों को कि सवाए अल्लाह के किसी की इबादत ना करो। तो वो तो बुतों की इबादत करते थे, और हम बहुत सी चीज़ों की इबादत करते हैं, कोई दौलत के पीछे लगाए, कोई दिल के पीछे लगाए, कोई शख्सियतों के पीछे लगाए, कोई नामूज नुमाइश के पीछे लगाए, पता नहीं कितने खुदा हमने बना रखे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, और लोग ये समझते हैं जैसे किसी के कोई बच्चे डॉक्टर बन जाए या कुछ, वो कहे कि मेरा तो फलां डॉक्टर है वो मेरा इलाज करेगा। ये गलत बात है, गलत है। कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के,
अगर अल्लाह राजी है तो दवाइयों में भी शफा है, अगर अल्लाह राजी नहीं है तो दवाइयों में भी शफा नहीं है। तो ये भी एक अल्लाह की आजमाइश है। अगर तुम्हारे रब का इरादा या मशियत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें यानी इनके हाल पर छोड़ दो, अपनी इफ्तरा परदाजियां करते रहें, यानी ये जो झूठ बांधते हैं बांधते रहें, ये सब कुछ हम उन्हीं यानी उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ मैल हो और वह इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब करना चाहते हैं। बहरहाल जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये हाल है तो फिर अल्लाह के सिवा कोई और तलाश करूं? हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ यानी किताब नाजिल फरमा दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन लोगों को हमने आपसे पहले किताब दी थी जैसे तौरात, इंजील, जबूर, सहीफे वगैरह, वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से है। यानी जो पहले लोग थे जितने भी हैं उनमें सारे गुमराह थोड़े थे, अगर गुमराह भी हैं तो इल्म है उनके पास, उन्हें पता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है। मतलब ये है कि ये किताब तुम्हारे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ही की तरफ से है, यानी मी रब्बी का बिलहक वाला तक उनन्ना मिनल मुमतरीन, हक के साथ नाजिल हुई है। लिहाजा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी शक करने वालों में शामिल ना होना, यानी आप भी इस तरह ना होना कि शक में पड़ जाएं। आपके रब की बात सुभान अल्लाह, वतम्मत कलिमात रब्बी का सिद्क व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमात वहुवा समीउल अलीम। तो वालेकुम सलाम, तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के इतबार से कामिल है, यानी अल्लाह की बात जो है ना पक्की और सच्ची है, यानी सिद्कन व अदला सच्ची सच्चाई और इंसाफ के साथ, तो उसे कोई बदलने वाला नहीं है। इंसाफ के इतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, कोई भी यानी जो बात अल्लाह ने फरमा दी है वो बिल्कुल तब्दील नहीं होती। ला मुबद्दिला लिकालिमाती वहुवा समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। उसके बाद फरमाया गया, वा इन तुती अक्सरा मन फिल अर्ज़ युसिल्लू का अन सबीलिल्लाह यत्तबिऊना इल्लसन्ना वा इनहुम इल्ला यखरुसून। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वो तुम्हें यानी आपको अल्लाह के रास्ता से आपको भी भटका देंगे, वो तो महज गुमान पर चलते और क्या सराहियाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। मतलब ये है कि अल्लाह को भी खबर है, जो बनाने वाला है उसे खबर नहीं है। अगर चाहे एक मामूली बात है कि एक आप कपड़ा सीती हैं या खाना तैयार करती हैं तो आपको पता होता है कि भाई कौन सी कसर बच गई है उसमें। ये तो इंसान है ना,
कि कहाँ ख़राबी हुई थी सिलाई में, या कहाँ सालन पकाते हुए या रोटी पकाते हुए क्या कमी बेशी रह गई। जो बनाने वाला पकाने वाला होता है उसे पता होता है। तो अल्लाह को नहीं इल्म जो इतनी कायनात का सिलसिला जिसने संभाला हुआ है वो सब कुछ सुनता जानता है। और उसके बाद फरमाया गया, यानी फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस वक्त ये शिर्क ज़्यादा था, अब भी वैसे है, मुख्तलिफ शक्लें हैं, फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ, यानी जिस वक्त ज़िबा करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यानी ऐसे करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए हलाल हो जाता है। और हमें चाहिए कि हम जो भी जानवर ज़िबा कर रहे हैं उस पर अल्लाह का नाम लें और ये कहें कि ये अल्लाह के लिए हम दे रहे हैं, और ऐसे ना कहें कि फलाने के लिए दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा फ़र्क है अल्फाज में, और जिस वक्त हम कहेंगे फलाने के लिए दे रहे हैं तो वो हमारे लिए हराम हो जाएगा। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले जो हैं इन्होंने बहुत से खुद साख्ता दीन में गड़बड़ पैदा कर रखी है। यहूदियों के जैसे यहूदी लोग थे ना, जिस वक्त ये दीन नाजिल हुआ तो मुसलमान जाते थे उनके आलमों के पास कि भी हमें मशवरा दे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ फरमा है ये सच्चे हैं, और ये जो शरीयत लाया है ये सच्ची है, और ये जो किताब है ये सच्ची है। तो वो गोल मोल करते थे, यानी ये कुरान पाक में है कि हक और बातिल को मिक्स करते थे और उनको फेर देते थे। इस वजह से कि उनके जो आलिम घराने थे ना, लोग जाते थे उनसे दुआएं मंगवाने, तवीज़ धागे लेने और चीज़ें तोहफे तहफ उनको घरों में पहुंचाते थे। लिहाजा उन्होंने सोचा अगर हमने मुसलमानों को सही मशवरा दिया तो हमारी तो हमारे तो पेटों में लात पड़ जाएगी, यानी हमारा खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने गोल मोल करके यानी सही तायद नहीं की, मदद नहीं की, बताया नहीं। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया कि वो तो इल्म वाले थे, उन्हें तो चाहिए था कि उनसे भी पहले वो सजदे में गिर जाते कि वाकई ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन उन्होंने अपने खाने पीने को तरजीह दी, मेरी आयतों को तक्के बोटी किया, और उनके ज़रिए से उन्होंने लोगों से पैसे बटोरे, ख़जाने बटोरे ताकि अपना पेट भर सकें। दरअसल वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। अल्लाह को भी इल्म है, और आजकल के ये जो यानी दर्श देने वाले लोग हैं इनका भी मामला दरअसल उसी तरीके का है कि सही दीन नहीं बताते। सही दीन बताएं, उनको चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं, वो कल कला को अल्लाह के हजूर में जवाब दे होंगे यानी। और उनकी पैरवी करने वाले अगर चाह कोई गलत बात किसी को बताएंगे और उनके नक्शे कदम पर जो भी चलेंगे वो सारा अजाब उनको दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस बात से वो दलेर हो गए हैं, क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने बार बार चैलेंज किया है कुरान पाक में कि क्या तुम मुफ्त में जन्नत हासिल कर लोगे, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। तो मतलब ये है कि जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करना चाहते हैं खालिस अल्लाह के लिए करो, किसी दूसरे का नाम ना लो। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर चाहे हम गाय है, बकरी है, या कुर्बानी कर रहे हैं, या वैसे फी सबीलिल्लाह तकसीम कर रहे हैं, या सदका दे रहे हैं, अल्लाह इसका अजर जो आपने देना है उसमें से हमारे ख़ानदान वालों को, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
यानी अता फरमाना, उसका अजर उनको भी पहुँचे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, कहा जाता है, 65 कुर्बानियाँ की थी और एक ही काफ़ी थी अगर आप कर देते, लेकिन आपने अपनी उम्मत के लिए कुर्बानियाँ की कि मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना और उनको इस कुर्बानी का अजर अता फरमा देना। ये हज और उम्रे को भी लोगों ने चेंज कर रखा है। वहाँ जाते हैं तो जो हुक्म है उनकी अदवली करते हैं, वहाँ अपनी मर्जी से रोका गया है। लोग जहाँ से जाते हैं काबे के धागे तोड़ के ले आते हैं, पत्थर उठा के ले आते हैं, और लिट्टियाँ जो काटना होती हैं औरत को, उसका हुक्म है कि पूरे बाल सीधे करके पीछे से काटो, यानी एक पूर, और वो ऐसे यहाँ से काटती हैं या यहाँ से काटती हैं तो उन पे दम पड़ जाता है। दम जो होता है उसका मतलब यह है कि एक बकरी जो है वो भी काबे में ही ज़िबा करके दो, काबे वालों को गोश्त दो, यहाँ पे अपने घरों में नहीं देना, ना ही किसी और जगह तकसीम करना है, वहाँ पहुँचाना है। तो छोटी छोटी बातों पे दम लग जाता है, यानी तो सही तरीके से उम्रे या हज करो, गलत किस्म के तरीके अख्तियार ना करो, जो सही। हाँ, यानी इस तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपनी मर्जी करते हैं लोग।